प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर लालजी यादव प्रयागराज के प्रतिष्ठित कर्नलगंज इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान पढ़ाता हूं। आज मैं आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 3 जिसका नाम वैद्युत रसायन है का डिस्कशन करूंगा। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने इस अध्याय का व्याख्यान 1 और 2 डिस्कस किया था। आज इस अध्याय का तीसरा व्याख्यान है। इस तीसरे व्याख्यान में हमारे चर्चा के बिंदु हैं नर समीकरण, नर समीकरण तथा साम्य स्थिरांक, गैल्वानी सेल तथा गिब्स ऊर्जा और मानक गिब्स ऊर्जा तथा साम्य स्थिरांक। तो आइए देखते हैं नर समीकरण। कहते हैं कि नर समीकरण किसी गैल्वानी सेल के सेल विभव तथा मानक सेल विभव में संबंध को व्यक्त करता है। अब ये हम आपको और स्पष्ट करते हैं कि गैल्वानी सेल का सेल विभव तथा मानक सेल विभव क्या है। ये आपके सामने जो फिगर दिख रहा है ये डैनियल सेल का है, जिसमें जिंक अर्धसेल एनोड तथा कॉपर अर्धसेल कैथोड है। इन अर्धसेलों के विलयन एक दूसरे से साल्ट ब्रिज द्वारा जुड़े हैं और इनके इलेक्ट्रोड वोल्ट मीटर द्वारा जुड़े हैं। अब कहते हैं कि इस डैनियल सेल में जो विभव प्राप्त होता है कब वो सेल विभव कहलाएगा और कब वो मानक सेल विभव कहलाएगा, उसकी व्याख्या यह है विद्यार्थियों कि आप डैनियल सेल में देख रहे हैं कि इसके 2 अर्धसेल हैं। इसका एनोड जो है वो जिंक अर्धसेल है और जो कैथोड है वो कॉपर अर्धसेल है। तो आप कहते हैं कि जैसे हमारे पास जिंक अर्धसेल है तो जिंक अर्धसेल में जो जिंक की छड़ है वो जिंक लवण के विलयन में उपस्थित है। अगर हम ऐसा कर दें कि ये जो जिंक की छड़ जिंक लवण के विलयन में उपस्थित है, यहां जिंक जो लवण है उसकी सांद्रता हम 1 मोलर ले लें और ताप 25 डिग्री सेल्सियस और दाब 1 वायुमंडल कर दें, तब ये कहलाएगा मानक जिंक इलेक्ट्रोड। और उसी तरह से अगर यहां कॉपर आयन जो है उसकी सांद्रता 1 मोलर ले लें और ताप 25 डिग्री सेल्सियस और दाब 1 वायुमंडल रख दें, तब ये कहलाएगा मानक कॉपर इलेक्ट्रोड या मानक कॉपर अर्धसेल। अब आप देखें कि अगर हम डैनियल सेल में मानक जिंक इलेक्ट्रोड और मानक कॉपर इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करें तब जो यहां विभव आएगा उसे कहेंगे ई नॉट सेल, वह सेल का कहलाएगा मानक सेल विभव। अब आप जानते हैं विद्यार्थियों कि अगर हम ये सांद्रता इन जो 2 अर्ध सेलों में लेते हैं, जैसे जिंक अर्ध सेल में जो हम सांद्रता लेते हैं जिंक लवण की वो 1 मोलर ना ले, उससे भिन्न सांद्रता ले लें। इसी तरह से जो कॉपर अर्धसेल है उसमें सांद्रता 1 मोलर ना लेकर के भिन्न सांद्रता लें। तब ये सवाल आता है क्या वोल्ट मीटर में विभव उत्पन्न होगा या नहीं। तो उसका उत्तर है कि अब भी विभव उत्पन्न होगा, लेकिन वो जो विभव आएगा उसे आप कहेंगे ई सेल। तो ये हमने आपको स्पष्ट व्याख्या की कि ई सेल क्या है और ई नॉट सेल क्या है। ई सेल जो है वो गैल्वानी सेल का सेल विभव है और ई नॉट सेल जो है वो गैल्वानी सेल का मानक सेल विभव है। अब नर समीकरण को आप देखें, कहते हैं कि यह समीकरण किसी गैल्वानी सेल के सेल विभव तथा मानक सेल विभव में संबंध को व्यक्त करता है। तो यह समीकरण जो आपके सामने है विद्यार्थियों, समीकरण 1 जिसमें आपका लिखा हुआ है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी अपान एनएफ लॉग क्यू, ये आपका नर समीकरण है। अगर इस समीकरण में हम नोटेशन देखें तो
तो R जो है वो सार्वत्रिक गैस नियतांक है, T परम ताप है, N रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है। इसे आप जानते हैं कि गैल्वानी सेल की जो सेल अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स होती है। रेडॉक्स का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शामिल होते हैं। आप जानते हैं कि गैल्वानी सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है और इन्हीं गैल्वानी सेल की जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं उन्हीं को जोड़ने से पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। एफ जो है वो फैराडे नियतांक है और इस क्यू को देखें, ये क्यू क्या है, ये अभिक्रिया भागफल है। इसे हम अभी और स्पष्ट करते हैं। अगर इस समीकरण एक में हम R, T और F के मान रख दें, R आप जानते हैं कि R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, T जो है परम ताप है, अगर उसकी वैल्यू हम निश्चित कर दें 25 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में वो हो जाएगा 298 केल्विन, और F फैराडे नियतांक की वैल्यू जो है ये आपके सामने है 96487, जिसे हम नियरली इक्वल मानते हैं 96500। तो अगर ये हम मान रखें तो ये नर समीकरण का एक दूसरा रूप आ जाएगा, जिसे आप कहेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 अपान एन लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो ये जो ये आपको ब्रैकेट दिख रहा है वो एक्टिव मास को व्यक्त करता है, किसके, प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट के एक्टिव मास को व्यक्त करता है। अब आप देखें अगर हम डैनियल सेल ले लें तो डैनियल सेल की ये रिडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें जिंक का जिंक 2 प्लस में ऑक्सीकरण है और कॉपर 2 प्लस का कॉपर में अपचयन है। तो यहां विद्यार्थियों जो आपने लॉग क्यू का मान लिखा था तो यहां या जो आपको लॉग क्यू का मान लिखना है उसे हम स्पष्ट कर रहे हैं कि लॉग क्यू के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं। ये तो आपका वही है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग एक्टिव मास ऑफ जिंक 2 प्लस अपान एक्टिव मास ऑफ कॉपर 2 प्लस। यहां आप बताएं कि एन की वैल्यू क्या होगी, एन आपको बताया गया कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है। तो आप जान गए कि एन की वैल्यू क्या होगी विद्यार्थियों, यहां एन की वैल्यू 2 होगी। और ये 2 मान कहां से प्राप्त होता है, ये जो 2 मान हमें प्राप्त होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 2 जो हमें प्राप्त होती है वो इस अभिक्रिया से हमें पता हो जाती है। जैसे जिंक का जिंक 2 प्लस में ऑक्सीकरण होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, और जब ये कॉपर 2 प्लस ये परिवर्तित होगा कॉपर में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इस रेडॉक्स अभिक्रिया में जो प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है वो 2 है। तो यहां आप वैल्यू इस डैनियल सेल के लिए 2 लिख सकते हैं। अब कहते हैं कि जो अर्ध सेल हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव की गणना भी हम नर समीकरण द्वारा कर सकते हैं। अभी व्याख्यान 2 में विद्यार्थियों आपने देखा था कि ये मानक जिंक इलेक्ट्रोड है, इसको हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ करके इस जिंक एकल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव, जिसे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हम नाम देते थे, उसकी गणना किए थे। यहां आपको वैल्यू दिख रही है कि ये वैल्यू 0.76 वोल्ट है। तो अगर आप डैनियल सेल के लिए देखें तो डैनियल सेल का एक अर्ध सेल जिंक इलेक्ट्रोड है और दूसरा अर्ध सेल क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव की गणना में भी हम नर समीकरण प्रयुक्त कर सकते हैं। अब देखिए वही समीकरण हो जाएगा, ये अर्ध सेल की या एकल इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया है और यहां से आप देखें ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0.059 अपान एन लॉग 1 अपान एक्टिव मास ऑफ जिंक 2 प्लस। तो यहां आपको विद्यार्थियों ई नॉट सेल की वैल्यू पता है, और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट सेल की वैल्यू होगी माइनस 0.76 वोल्ट, जो जिंक एकल इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। इसी तरह से अगर आप कॉपर अर्धसेल के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना चाहें तो आप जानते हैं कि जो कॉपर अर्धसेल है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है, लेकिन वो तब है जब कॉपर आयन की सांद्रता 1 मोलर है। अगर सांद्रता भिन्न हो जाए तब वो अर्धसेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव न कहला करके कहलाएगा अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव। तो उसकी भी गणना का ये फार्मूला नर्स समीकरण पर आधारित है जो आपके सामने है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग 1 अपान एक्टिव मास ऑफ कॉपर 2 प्लस। अब विद्यार्थियों आपके सामने नर्स समीकरण की अवधारणा और स्पष्ट हो जाए इसीलिए ये एक प्रश्न दिया गया है, इसको आप देखें। प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित सेल की 298 केल्विन पर नर्स समीकरण एवं ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जिसे आप विद्युत वाहक बल कहते हैं ज्ञात कीजिए। तो ये आपको सेल दी गई है, इस सेल से आप देखें, ये सेल आपके सामने दी गई है, तो इससे आप एक निष्कर्ष निकालते हैं। ये गैल्वानी सेल का प्रदर्शन है और इस गैल्वानी सेल में आपको स्पष्ट है कि जो मैग्नीशियम की अर्धसेल है वो एनोड है और कॉपर की अर्धसेल जो है वो कैथोड है। अब इस सेल की हम देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। अगर इस सेल की आप रेडॉक्स अभिक्रिया देखें तो ये सेल की रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम का मैग्नीशियम 2 प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर 2 प्लस का कॉपर में अपचयन हो रहा है। अब हमारे पास आ गया नर्स समीकरण कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इस समीकरण में सबसे पहले हम ई नॉट सेल की गणना करते हैं और ई नॉट सेल की गणना के लिए आपको सूत्र का डिस्कशन हो चुका है कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और यहां आप अगर देखेंगे तो वैल्यू ये जो 0.34 वोल्ट है और ये माइनस 2.37 वोल्ट है, तो ये वैल्यू जो है ये मैग्नीशियम की अर्धसेल के लिए है और ये वैल्यू जो है वो कॉपर की अर्धसेल के लिए है। तो यहां आपको ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई 2.71 वोल्ट। इसे आप फिर से नर्स समीकरण देखें कि हम ये जो हमारी गैल्वानी सेल दी गई है इसके लिए हम नर्स समीकरण एवं ईएमएफ निकाल रहे थे, तो ये समीकरण प्रयुक्त कर रहे थे, लेकिन इस समीकरण में पहले हमें जरूरत दिखाई दी कि हम ई नॉट सेल की गणना करें और ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई, ई नॉट सेल जो आया वो 2.71 वोल्ट आया। अब देखिए ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, ई नॉट ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एक्टिव मास ऑफ एमजी 2 प्लस अपॉन एक्टिव मास ऑफ कॉपर 2 प्लस। तो ये वैल्यू रख देते हैं 2.71 ई नॉट सेल की, एन की भी वैल्यू रखेंगे 2 होगी, और लॉग ये जो कंसंट्रेशन दिया गया है इसकी वैल्यू आपके प्रश्न में विद्यार्थियों दी गई है, ये कंसंट्रेशन आपको दिया गया है, ये और ये मैग्नीशियम आयन का सांद्रण है और ये कॉपर आयन का सांद्रण है।
अब इन्हीं मानों को जब हमने रखा तो आप जानते हैं कि यहां आ जाएगा log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होगी, तो इससे हमें ई सेल जो आएगा वो ई सेल की वैल्यू आएगी 2.68 वोल्ट। तो इस तरह से उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया बच्चों कि किस तरह से आप नर समीकरण का उपयोग करके किसी गैल्वानी सेल के सेल विभव की गणना कर सकते हैं। जैसे इस सेल का सेल विभव गणना द्वारा ज्ञात हुआ कि वो कितना है, 2.68 वोल्ट है। अब अगला जो डिस्कशन आपके पास है वो है नर समीकरण तथा साम्य स्थिरांक। अब हम ये देखेंगे कि ये नर समीकरण और साम्य स्थिरांक एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। जैसे हमारे पास ये डैनियल सेल है और ये डैनियल सेल की सेल रिएक्शन है, और आप जानते हैं कि डैनियल सेल की जो सेल रिएक्शन है वो रिडॉक्स अभिक्रिया है। अब ये जो डैनियल सेल की सेल रिएक्शन आपके सामने है, अगर ये साम्यावस्था पर आ जाए, साम्यावस्था आप समझते हैं विद्यार्थियों कि जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, आरएफ और आरबी अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए, तो वही किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था कहलाती है। अब इस साम्यावस्था में आप देखें कि किसी डैनियल सेल में या किसी भी गैल्वानी सेल में जब साम्यावस्था आ जाए तो साम्यावस्था पर जो ई सेल की वैल्यू हो जाती है वो जीरो हो जाती है। तो हमारे पास ये समीकरण 1 और 2 ये नर समीकरण हैं, जिन्हें हम लोग देख चुके हैं कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 आरटी अपान एनएफ लॉग क्यू, और लॉग क्यू के प्लेस पर ये लिखा हुआ है, जो क्यू है वो अभिक्रिया भागफल है, यहां लिखा है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपान एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर जीरो वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल -2.303 आरटी अपान एनएफ लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यहां प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के प्लेस पर आप देखिए यहां लिखा है एक्टिव मास ऑफ जिंक 2+ अपॉन एक्टिव मास ऑफ कॉपर 2+। ये आता कैसे है विद्यार्थियों, इसको मैं आपको और स्पष्ट करता हूं। ये आप डैनियल सेल की सेल रिएक्शन को देखें, इस सेल रिएक्शन में आपके सामने क्या है कि जिंक 2+ और कॉपर कहां है, प्रोडक्ट में, और यहां जिंक और कॉपर 2+ कहां है, रिएक्टेंट में। तो इसमें रिएक्टेंट साइड में ये जिंक सॉलिड है और इधर प्रोडक्ट साइड में कॉपर सॉलिड है। तो आप कहेंगे कि यहां जब हम लिख रहे हैं तो केवल एक्टिव मास ऑफ जिंक 2+ और एक्टिव मास ऑफ कॉपर 2+ लिख रहे हैं, जो जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड है उसे प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। उसका उत्तर यह है विद्यार्थियों कि जो जिंक सॉलिड है और कॉपर सॉलिड है उसका जो सक्रिय द्रव्यमान होता है वो एकांक होता है, इसीलिए इस समीकरण में वो प्रदर्शित नहीं है। अब यही जो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है ये आपने क्यू के प्लेस पर लाया, लेकिन जब अभिक्रिया साम्यावस्था पर हो तो यही जो है क्यू, तब एक नाम से जाना जाता है जिसे आप कहते हैं केसी, या इसी को कहते हैं अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक। तो इस समीकरण को आप देखें तब ये समीकरण हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 आरटी अपान एनएफ लॉग केसी। तो ये केसी क्या है विद्यार्थियों, ये केसी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है। अभी आप नर समीकरण के दो रूप देख रहे थे, अब एक तीसरा रूप भी आ जाएगा। ये देखिए एनएफ एनएफ ई नॉट सेल
इज इक्वल टू 2.303 और टी लॉग के सी, ये नर्स समीकरण का तीसरा रूप है। और आप अगर यहां वैल्यू रख दें आर टी और एफ की, तो ये हो जाएगा ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपान एन लॉग के सी, और ये समीकरण चार हो जाएगा। इस समीकरण को आप देखें विद्यार्थियों, इस पूरे समीकरण को देखें, ये जो समीकरण आपके सामने है समीकरण चार, ये ई नॉट सेल और केसी जो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है उसमें संबंध को व्यक्त करता है। तो ये समीकरण आपके पास है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपान एन लॉग केसी, और एन की वैल्यू कहां से आएगी विद्यार्थियों, एन की वैल्यू आएगी रिडॉक्स अभिक्रिया से। अब ये आपको और स्पष्ट हो जाए इसीलिए आपको यहां एक प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो साम्य स्थिरांक के परिकलन का मतलब यह हुआ विद्यार्थियों कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू जो निकालनी है वो केसी की निकालनी है। ये सेल जो आप देख रहे हैं ये गैलवानी सेल की सेल अभिक्रिया है। इस सेल अभिक्रिया में जो कॉपर है या जो कॉपर अर्धसेल है वो एनोड है और जो सिल्वर अर्धसेल है वो कैथोड है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने देखा था कि ये जो कॉपर अर्धसेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट, और जो सिल्वर अर्धसेल है उसके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है 0.80 वोल्ट। तो हम ई नॉट सेल की गणना कर लेंगे और ई नॉट सेल की वैल्यू आपके सामने आ गई 0.46 वोल्ट। और ये किसके लिए है, ये इस गैलवानी सेल के लिए है जिसका समीकरण आपके सामने प्रदर्शित है। अब जब हमें ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई तो हमारे पास समीकरण, अभी हमने देखा था कि ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपान एन लॉग केसी, और ये वैल्यू रख देंगे ई नॉट सेल के प्लेस पर क्या आएगी 0.46। तो इससे बच्चों आपको केसी की वैल्यू आएगी, अभी आपको दिख रहा है ये लॉग केसी, लॉग केसी 15.6 है, और आप जानते हैं कि अगर लॉग वैल्यू दी गई है तो केसी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एंटी लॉग का उपयोग करना पड़ेगा, और उससे ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी केसी जो साम्य स्थिरांक है उसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ये अगला जो डिस्कशन आपके सामने विद्यार्थियों है वो है गैलवानी सेल तथा गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा को गिब्स मुक्त ऊर्जा भी कहते हैं और इसे डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं, मानक गिब्स ऊर्जा को डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब कहते हैं कि अब अगर हम ये देख लें कि किसी गैलवानी सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई हो तथा प्रवाहित आवेश एनएफ हो तो किया गया कार्य जो डब्ल्यू होता है वो एनएफई के बराबर होता है, और जो गैलवानी सेल द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या है विद्यार्थियों, ये किया गया उत्क्रमणीय कार्य है, और डब्ल्यू रिवर्सिबल की वैल्यू अभी हमने देखा कि ये इक्वल है एनएफई के, तो इसी से हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी एनएफई सेल और डेल्टा जी होगा माइनस एनएफई सेल। ये आपका समीकरण पांच है। अगर यही समीकरण हम मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए लिखें तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एनएफई नॉट सेल। तो दोनों में आप अंतर देखें विद्यार्थियों, जब ये डेल्टा जी है तो ये ई सेल है, और जब ये डेल्टा जी नॉट है तो ये ई नॉट सेल है।
तो डेल्टा जी जो है वो गिब्स ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा है, और डेल्टा जी नॉट जो है वो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा है। अब हम इसमें मानक गिब्स ऊर्जा जो डेल्टा जी नॉट है और जो साम्य स्थिरांक केसी है उसमें संबंध देखेंगे। अभी हम समीकरण 6 में देख रहे थे कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एनएफई नॉट सेल, और हमारे पास एक समीकरण 3 भी था कि एनएफई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 और टी लॉग केसी। अगर हम इन्हीं दोनों समीकरणों के आधार पर देखें तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी। तो ये मानक गिब्स ऊर्जा तथा साम्य स्थिरांक में संबंध का समीकरण है। अब मानक गिब्स ऊर्जा या मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए इसलिए यहां आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है कि डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.10 वोल्ट है, अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो ये आपके सामने सेल अभिक्रिया है। आप जानते हैं कि जो सूत्र है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ नॉट सेल, तो एन की वैल्यू इस रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए एन की वैल्यू 2 होगी, एफ फेराडे कांस्टेंट है और ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी गई है, तो इससे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जूल पर मोल में आएगी जिसे हमने किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी व्याख्यान पर आधारित कुछ असाइनमेंट विद्यार्थियों आपको दिए गए हैं, जैसे पहला है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैलवानी सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। तो मानक सेल विभव की गणना में आप जानते हैं कि सूत्र क्या प्रयुक्त होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जब आपका मानक सेल विभव की गणना हो जाएगी तब आपको कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया के डेल्टा जी नॉट एवं साम्य स्थिरांकों की गणना कीजिए जिसके संबंध का सूत्र आपको बताया गया। तो इस पर आप अभ्यास कर लेंगे बच्चों। अभी ये दूसरा सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित सेल की 298 केल्विन पर नर समीकरण एवं ईएमएफ निकालिए। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जिसे आप ई सेल कहते हैं। आप जानते हैं कि इसमें प्रयुक्त होगा नर समीकरण। इसका एक सवाल हमने अभी आपको कर करके बता दिया था और उसी पर आधारित ये दोनों प्रश्न हैं। आप विद्यार्थियों इनका अभ्यास कीजिए। और ये तीसरा आपके सामने प्रश्न है कि नर समीकरण की व्याख्या कीजिए। तो इन असाइनमेंट को बच्चों ध्यानपूर्वक करिएगा। अगले व्याख्यान में हम इसी वैद्युत रसायन के और तथ्यों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।